वेलकम बैक टू स्टॉक्स पर यूट्यूब चैनल। तो आज यहाँ पे हम लॉल स्टील लिमिटेड यानी कि यहाँ पे आप देख से देखिए लॉल स्टील इंडस्ट्री स्टॉक के बारे में बात करने वाले और लेटेस्ट अपडेट यहाँ पे देखने वाले। तो लॉल स्टील इंडस्ट्री स्टॉक की बात की जाए तो आज काफी गिरावट यहाँ पे पिछले 2-3 दिन यहाँ पे तेजी पकड़ी थी, पर आज फिर से स्टॉक के अंदर गिरावट देखने को मिले। 16 लेवल के नीचे ट्रेडिंग करा, 15.95 पे ट्रेडिंग करा है स्टॉक। तकरीबन यहाँ पे देखोगे 1.45 पैसे की गिरावट देखने को मिले, टोटली 8% से ज्यादा गिरावट देखने को मिले लॉल स्टील स्टॉक के अंदर। तो देख सकते कि तकरीबन लॉयल स्टील स्टॉक की बात की जाए तो आज जैसे ओपन हुआ था स्टॉक तकरीबन प्रीवियस क्लोजिंग के साथ ओपन हुआ था, ओपन होते स्टॉक के अंदर गिरावट देखने को मिले है। तो रिसेंटली उसी गिरावट के साथ यहाँ पे रिसेंटली 16 लेवल सपोर्टिव थी उसी को भी ब्रेकआउट देता हुआ नजर आ चुका है। मार्केट कैप तो 1.58,000 करोड़ की है, पी रेशियो 67 और डिविडेंड यील्ड हल्का सा दिखाई दे रहा है। पर लास्ट 5 डेज की बात की जाए तो देख सकते कि पिछले 5 दिनों में स्टॉक की मोमेंटम देखी जाए तो तेजी के बाद फिर से गिरावट देखने को मिले, फिर भी 8% और फिर स्टॉक यहाँ पे आप देख सकते। तो रिसेंटली बाकी की जो डिटेल है उसके ऊपर नजर डालेंगे हम लोग। तो देख सकते कि तकरीबन वॉल्यूम की बात की जाए तो ट्रेडेड वॉल्यूम 85 लाख का वॉल्यूम जनरेट हो चुका है लॉल स्टील स्टॉक के अंदर। फिर ट्रेडेड वॉल्यूम के साथ ट्रेडेड वैल्यू जो है 1408 लाख का ट्रेडेड वैल्यू है। बाइंग के लिए 8 लाख क्वांटिटी पर सेलिंग के लिए जो है 33 लाख क्वांटिटी पेंडिंग है, जो कि सेलर्स का प्रेशर बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है। सिक्योरिटी वाइज डिलीवरी पोजिशन के ऊपर नजर डाली जाए तो 65 लाख में से 39 लाख क्वांटिटी डिलीवरी के लिए जा चुके हैं, कुल मिला के 60%। तो चार्ट के ऊपर नजर डालेंगे, चार्ट के ऊपर नजर डाली जाए तो देख सकते कि एक अच्छी तेजी के साथ ऊपर चला गया और स्टॉक फिर से यहाँ पे देख सकते कि उल्टा डोमिनेंस यहाँ पे देखोगे तो देखो उल्टा हैमर में से पे आप देख सकते हैं अपोजिट हैमर फॉर्म हुआ और कल से फिर गिरावट देखने को मिली। 15 लेवल ले यहाँ पे नीचे आता है तो सपोर्टिव एक्ट हो सकता है स्टॉक के लिए।